हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ टेको फैन फिक्शन आई लव विद माय प्राइवेट डॉक्टर के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक तैयांग के हाथ कसकर पकड़े हुए था और धीरे से कुछ बरबरा रहा था। आई डोंट नो, मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर एक किस तरह के आग जल रहा है। तैयांग अपने हाथ पीछे खींचता है लेकिन जोंगकुक उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर मुझे आपके साथ वो सब कुछ करना है, प्लीज़ डॉक्टर। तैयांग को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और ना ही जोंगकुक के किसी भी बात उसे समझ आ रहा था। तैयांग जोंगकुक के हैंड के ऊपर स्लैप करके कहता है, मिस्टर जियोन आप क्या कर रहे हैं। तैयांग के वॉइस सुनकर जोंगकुक फाइनली अपने होश में आ जाता है। जोंगकुक आंखें खोलकर तैयांग के तरफ देखकर जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाता है। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर वो मैं क्या कह रहा था। तैयांग कहता है, मिस्टर जियोन आई अंडरस्टैंड, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको अपने आँखों से और हैंड से एग्जामिन करूँगा। आपके ऊपर किसी भी तरह के मशीन का यूज़ नहीं होगा, आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, आप रिलैक्स हो जाएं। अगर आपको टाइम चाहिए तो खुद को शांत करने के लिए तो आप वेटिंग रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। जोंगकुक कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ डॉक्टर। जोंगकुक अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ डॉक्टर ने कुछ भी नहीं सुना है, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचता। जोंगकुक वापस बेड पर लेट जाता है। तैयांग उसे एग्जामिन करने के बाद कहता है, सिट डाउन। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। तैयांग कहता है, मिस्टर जियोन आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, 2-3 दिन में आप ज़रूर ठीक हो जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको टाइम टू टाइम फूड और मेडिसिन लेना पड़ेगा। जोंगकुक मन में कहता है, डॉक्टर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं अपनी दिल की बात कर रहा था। जोंगकुक तैयांग से मीटअप करने के बाद तैयांग के केबिन से बाहर आ जाता है। तभी केबिन के बाहर जोंगकुक को फिर से सुहू मिल जाता है। सुहू अपने चाइल्ड लैंग्वेज में कहता है, बानी अंकल क्या आप मेरे डैड से मिलने आए थे। जोंगकुक कहता है, हाँ लिटिल बॉय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुहू कहता है, मैं एवरी डे स्कूल से हॉस्पिटल आ जाता हूँ डैड से मिलने। अंकल आपने क्या सोचा। जोंगकुक कहता है, किस बारे में। सुहू कहता है, क्या आप मेरे डैड से शादी नहीं करोगे। जोंगकुक कहता है, तुम्हारा डैड मुझे पसंद नहीं करता। तभी तैयांग के सेक्रेटरी वहां आकर सुहू को अपने साथ वहां से ले जाती है। जोंगकुक हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर खड़े होकर जेब से मोबाइल निकालकर जिमिन को कॉल करके कहता है, कहाँ हो तुम। जिमिन कहता है, मैं बस रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। जोंगकुक जिमिन के लिए वेट कर रहा था। कुछ ही मिनटों में जिमिन कार के साथ हॉस्पिटल के सामने हाजिर हो जाता है। जोंगकुक कार डोर ओपन कर कार में आकर बैठ जाता है। जिमिन कहता है, कैसा था सब कुछ। जोंगकुक कहता है, क्या। जिमिन कहता है, डॉक्टर के साथ मीटअप कैसा था, बात आगे बढ़ी। जोंगकुक कहता है, आज कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जिमिन कहता है, टेल मी क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, ऐसे भी आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी की बहुत कमी लग रहा है मुझे। तैयांग अपने केबिन विंडो के पास खड़े होकर जोंगकुक को जाते हुए देख रहा था। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर के साथ नहीं। जिमिना डॉक्टर बहुत मस्त है, मैं पहली बार डॉक्टर को देखकर खुद ही अपने साथ वो सब कुछ किया, क्या तुम समझ सकते हो, मतलब मैं इतना क्रेजी कैसे हो सकता हूँ। अपने साथ ये सब करने के बाद भी जब डॉक्टर तैयांग को देखा फिर से मैं सेम फील कर रहा था, पागलपन में मैंने डॉक्टर से ये तक कह दिया कि मैं उनके साथ ये करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, क्या उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। जोंगकुक कहता है, थैंक गॉड डोंट वरी उसने नहीं सुना। जिमिन राहत का सांस लेकर कहता है, जोंगकुक नेक्स्ट टाइम तुझे डॉक्टर के सामने केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वरना डॉक्टर के सामने तेरे इम्प्रेशन खराब हो जाएगा।
दोनों कॉलेज आ जाता है। जिमिन एक आर्ट स्टूडेंट है और जोंगकुक बिजनेस, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में आ जाता है क्लास के लिए। जोंगकुक क्लास में बैठकर प्रोफेसर के लेक्चर पर ध्यान ना देकर नोटबुक में तैयंग के तस्वीर ड्रॉ करने लगता है। प्रोफेसर जोंगकुक को लॉस्ट देखकर उस पर पेन फेंक कर मारता है। पेन सीधा जोंगकुक के फोरहेड पर आकर टकरा जाता है। प्रोफेसर कहता है, यू स्टैंड अप। जोंगकुक कहता है, प्रोफेसर क्या मैं? प्रोफेसर कहता है, हाँ तुम खड़े हो जाओ। जोंगकुक खड़े हो जाता है। प्रोफेसर कहता है, क्या कर रहे थे तुम? जोंगकुक कहता है, कुछ नहीं। प्रोफेसर कहता है, नोटबुक लेकर यहाँ आओ, हम सबको पता चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे। मैं देखना चाहता हूँ नोटबुक के अंदर क्या है जो मेरे लेक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा तुम्हें। जोंगकुक कहता है, सॉरी सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्रोफेसर कहता है, क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। जोंगकुक बैग लेकर क्लास रूम से निकल जाता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर एज ए पनिशमेंट जोंगकुक को स्टोर रूम की क्लीनिंग करने के लिए कहता है। जिमिन जोंगकुक के लिए बाहर वेट कर रहा था, तभी जोंगकुक के क्लासमेट जिमिन से कहता है, जोंगकुक को प्रोफेसर स्टोर रूम क्लीन करने का सजा दिया है, उसे शाम हो जाएगा घर जाने में क्योंकि स्टोर रूम की सफाई पिछले 2 महीनों से नहीं हुआ है। जिमिन जल्दी से जोंगकुक के हेल्प के लिए स्टोर रूम के तरफ भागता है, तभी उसके पास सुगा का कॉल आ जाता है। सुगा कहता है, जिमिन बेबी मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम कहाँ हो अभी? जिमिन कहता है, सुगा तुमने मुझे पहले बताया नहीं कि तुम आज आने वाले हो। सुगा कहता है, हाँ वो डैड अब्रॉड से वापस आकर कंपनी संभाल लिया है तो अभी मैं फ्री हूँ कुछ दिनों तक, इसलिए मैंने सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, लेकिन तुम्हारे बातों से अब मुझे लग रहा है कि तुम मेरे आने से खुश नहीं हो। जिमिन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी कॉलेज से निकल रहा हूँ। जिमिन जाते हुए जोंगकुक के लिए एक मैसेज छोड़ता है, जोंगकुक आई एम सॉरी मैं तुम्हारे हेल्प नहीं कर पाया। सुगा अचानक चाइना से सियोल आ गया है और वो मेरे घर में आकर रुका है, मुझे जाना पड़ेगा, तुमसे बाद में बात करूँगा। जिमिन नोट पियोन के हाथ में देकर जिमिन कॉलेज से निकल जाता है। जोंगकुक क्लीनिंग ख़त्म कर वॉशरूम आकर फ्रेश होने के बाद कॉलेज से निकल ही रहा था, तभी पियोन उसे जिमिन के नोट देता है। जोंगकुक नोट पढ़कर जिमिन को टेक्स्ट करता है, इट्स ओके मैं ठीक हूँ, सुगा ह्योंग को मेरा हेलो कहना, बाय। जोंगकुक कॉलेज से निकल कर ड्राइवर का वेट कर रहा था, तभी जिन का कॉल आ जाता है। जिन कहता है, जोंगकुक ड्राइवर के बीबी अचानक बीमार हो गई है, इसलिए वो तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ सकता, क्या तुम कैब लेकर आ जाओगे? नहीं रुको मैं खुद ही तुम्हें लेने आता हूँ। जोंगकुक कहता है, नहीं ब्रादर इन लॉ मैं कैब से आ जाऊँगा, डोंट वरी। जोंगकुक कॉल कट कर कैब का इंतज़ार करने लगता है, तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाता है, एक भी टैक्सी और कैब दिखाई नहीं दे रहा था। जोंगकुक बारिश में चलने लगता है, तभी जोंगकुक के सामने एक वैन आकर रुककर विंडो नीचे करके उसे अंदर से कोई कहता है, हे हैंडसम अकेला है क्या, हमारे साथ चलेगा क्या, हम तुझे बहुत मज़ा कराएंगे, चलना चलते हैं, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा तुझे, चल। जोंगकुक कहता है, कौन हो तुम लोग? तुम लोग जैसा समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। वो लोग फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, हे चिकने चलना, तुझे फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पैसा मिलेगा, चल अब नखरा मत कर। जोंगकुक कहता है, मुझे बॉक्सिंग आता है, अगर अपना थोबरा नहीं बिगड़ना है तो जाओ यहाँ से। वो लोग वैन रोक कर डोर ओपन करते हैं, तभी वहाँ वाइट कलर के एक कार आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग जल्दी से भाग जाता है। जोंगकुक अंदर से बहुत डरा हुआ था, फिर भी उन लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखा रहा था। फाइनली वो चैन का सांस लेता है, तभी कार जोंगकुक के सामने आकर रुकता है। कार के अंदर से कोई विंडो रोल कर नीचे कर लेता है। जोंगकुक तैयंग को देखकर शॉक हो जाता है। तैयंग कहता है, कम इनसाइड। जोंगकुक कहता है,
मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ, मेरे कपड़ों से पानी गिर रहा है, आपके कार खराब हो जाएगा। तैयंग कहता है, कार तुमसे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है ना, चलो अंदर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। जोंगकुक के हार्ट तैयंग के बातों से मेल्ट हो जाता है। कार के अंदर से लिटिल सू कहता है, बानी अंकल आ जाओ ना प्लीज़, ज़्यादा भीगने से आप बीमार हो जाओगे। जोंगकुक कार डोर ओपन कर बैक सीट पर आकर बैठ जाता है। तैयंग रेयर व्यू मिरर के थ्रू जोंगकुक को घूर रहा था। बारिश में भीगने से जोंगकुक के व्हाइट शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गया था, जिसे तैयंग आसानी से जोंगकुक के छाती को देख पा रहा था। तैयंग बारिश में कार फास्ट ड्राइव करता है। तैयंग कहता है, तुम कहाँ रहते हो? जोंगकुक कहता है, वो डॉक्टर, मुझे अभी घर के एड्रेस याद नहीं आ रहा है। तैयंग कहता है, व्हाट? तभी सुहू कहता है, डैड मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, आई एम हंग्री, और उसके बाद लिप से पाउट बना लेता है। तैयंग कहता है, ओके। तैयंग जोंगकुक को भी अपने साथ किम मेंशन में लेकर आ जाता है। सर्वेंट सिर झुकाकर कहता है, गुड इवनिंग सर, और फिर सब लोग जोंगकुक को घूर कर देखने लगता है। तैयंग कहता है, मिस्टर जोन मेरे पेशेंट हैं और आज रात हमारे घर में गेस्ट हैं, और रात को मिस्टर जोन यहाँ स्टे करने वाला है, मिस्टर जोन के लिए जल्दी से गेस्ट रूम तैयार कर दो। सर्वेंट सिर झुकाकर जोंगकुक को भी ग्रीट करता है, गुड इवनिंग सर। जोंगकुक कहता है, कॉल मी जोंगकुक। तैयंग मेट से जोंगकुक के लिए क्लोथ अरेंज करने के लिए कहकर अपने कमरे के तरफ चला जाता है। तैयंग के जाने के बाद लिटिल सुहू सबसे कहता है, बानी अंकल मेरे होने वाले लिटिल डैड हैं। सुहू के बातें सुनकर सब लोग हैरानी से जोंगकुक को ही देखने लगता है। जोंगकुक स्माइल कर वहाँ से चला जाता है। नौकर आपस में गॉसिप करने लगता है। नैनी सुहू को फिट कराने के बाद उसे उसके कमरे में ले जाती है। तैयंग फ्रेश होने के बाद जोंगकुक को चेक करने और उसे डिनर के लिए बुलाने गेस्ट रूम की डोर के पास खड़े होकर डोर पर नॉक करते हैं। अंदर से जोंगकुक कहता है, कम इन। तैयंग डोर पुश कर अंदर आकर जोंगकुक को मेज देखकर कहता है, आई एम सॉरी मैं जा रहा हूँ। जोंगकुक जो पैंट पहन रहा था, जोंगकुक कहता है, इट्स ओके डॉक्टर, मैंने पैंट पहन लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ। तैयंग कहता है, वो एक्चुअली मैं आपसे डिनर के लिए। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, प्लीज़ आप मुझे तुम कहकर बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, या फिर आप मुझे जोंगकुक कहकर भी बुला सकते हो, आई डोंट माइंड। तैयंग कहता है, ओके लेट्स गो। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर। तैयंग क्या मैं भी आपको तुम कहकर बुला सकता हूँ? तैयंग कहता है, नो हम इतने क्लोज नहीं हैं और मैं तुमसे सीनियर हूँ। जोंगकुक कहता है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तैयंग और जोंगकुक नीचे डिनर के लिए आ जाता है। डिनर फिनिश करने के बाद जोंगकुक कमरे में आकर नामजून को मैसेज करता है, ह्योंग आज रात मैं ग्रुप स्टडी के लिए जिमिन के घर पर रुकने वाला हूँ, बारिश स्टार्ट हो गया था इसलिए मैंने आज रात यहाँ रुकने का फैसला कर लिया है, आप लोग मेरे लिए परेशान मत होना ठीक है। नामजून मैसेज रीड कर जिन से कहता है, जोंगकुक का मैसेज आया था, वो आज रात जिमिन के घर में रुकने वाला है, चलो अच्छा ही हुआ, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, इसमें बाहर निकलना सही नहीं रहता, चलो हम दोनों डिनर कर लेते हैं। जिन कहता है, हाँ चलो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। नामजून कहता है, जीनू बेबी आज हम दोनों घर में अकेले हैं, डिनर के बाद क्या मुझे डेजर्ट भी मिल सकता है? जिन कहता है, दूर हो जाओ मुझसे ठरकी बुढ़ा। नामजून कहता है, आज तुम मुझे दूर नहीं कर पाओगे। दूसरे तरफ जिमिन जोर जोर से रो रहा था। युंगी कहता है, जिमिन फिर से पिछवाड़े में थप्पड़ खाना है तुम्हें, क्या तुम क्या चाहते हो, बच्चे की तरह तुम क्यों इतना रो रहे हो, हम ये पहली बार नहीं कर रहे हैं जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जिमिन कहता है, लेकिन हम ये बहुत टाइम बात कर रहे हैं शुगा, तुम समझने की कोशिश करो, तुम ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर सकते। शुगा बिल्ला क्या तुम मुझे मारना चाहते हो?
दर्द हो रहा है, छोड़ो और नहीं करना छोड़ो। शुगा कहता है, अभी तक मन नहीं भरा है मेरा। छोटे ब्रादर कैसे शांत होगा फिर? चुपचाप लेटे रहो। जंगकुक सोने की तैयारी कर रहा था। तैयंग उसे मेडिसिन देने आ जाता है। अचानक तैयंग के पैर रुक जाता है। तैयंग की नज़र जंगकुक के पेट पर जाकर अटक जाता है। जंगकुक पीछे मुड़कर तैयंग को देखकर कहता है, डॉक्टर तई, आप यहाँ? तैयंग को पता नहीं क्या हो जाता है। तैयंग मेडिसिन हाथ से नीचे गिरा देता है और जंगकुक के पास आकर दोनों हाथों से कस कर जंगकुक के कमर पकड़ कर उसे अपने बाहों में भरकर तुरंत उसके होठों से अपने होठ को जोड़कर उसे पागलों की तरह चूमना शुरू कर देता है और साथ ही अपने हाथ जंगकुक के कपड़ों के अंदर डालकर बुरी तरह जंगकुक के शरीर को छूने और उसके होठों को काटने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।